वाला कानून को स्वीकार नहीं करेगा। आपने अगर ताकत दी तो आपके लिए काम करेगा या आपके बाल बच्चों की भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगा। दूसरे लोग जिनको आपने मौका दिया, क्या कारण है कि लोग आज पूरा परिवार भर किसी न किसी मुकदमा में फंसे हुए, क्या कारण है? आज तो कारण है घूम घूम कर कि हमको फिर 5 साल दीजिए, हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। और दूसरे गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि हम 20 लाख देंगे। कव्वाली की तरह है, कव्वाली में दो टीम होती है ना, एक टीम हर एक मंच पर और एक टीम कुछ गाना, एक टीम के लोग गाना गाते हैं, दूसरा पीछे लोग जवाब देते हैं। तो उसी तरह इधर से 10 लाख, इधर से कहा जाएगा 19 लाख। अभी झूठे पड़ोस देना है, झूठे पड़ोस देना है तो 50 लाख वोट। भाई और में छोटा सा लतीफा याद आता है हम आपको, एक मिनट में सुनाए। एक व्यक्ति का गांव में बहुत कंजूस था, बहुत कंजूस था, पैसा नहीं बढ़ता। उसने 2-4 डब्बा खरीद लिया और 7 डब्बा के ऊपर अलग अलग लिख दिया, 7 दिया लिख करके, मकई का भुजा, चावल का भुजा, चना का भुजा, चार 5 प्रकार के भुजा का नाम लिख दिया। डब्बा खाली ऊपर से लेवे लगा दिया, अलमीरा में रख देता था, रोज सामने निकालता था सब डब्बा को सजा करके, और सब डब्बा में से कहता था मकई का भुजा खा रहे हैं, चावल का खा रहे हैं, चना का खा रहे हैं, हाथों की नहीं, बस खाने की नकल करता। उसका बेटा जब सियाना हुआ तो उसने कहा कि पापा जी तो भुजा खाते थे, चलिए हम भी कुछ करें। उसका बेटा भी 4-5 डब्बा उसी तरह से खरीद कर ले आता है और उस पर लिख देता है, किसी पर रसमलाई, किसी पर छेना पास, किसी पर गुलाब जामुन, मिठाई बढ़िया बढ़िया मिठाई करके, और वो अभी रख देता है कलिया में सजा कर, और रोज निकालता डॉक्टर के सामने सजा कर भी कहता है रसमलाई खा रहे हैं, छेना पास खा रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। उसके पिताजी एक दिन देखते हैं उसको, गुस्सा हो जाते हैं उसको और कहते हैं कि तुम सारी जमीन बेचवा देगा, हम भूजा खाते हैं, तुम रोज रसमलाई खाता है। कि पापा जब मुहजवानी खाना है तो भूजा काहे खाए, छेना का चाहे नहीं खाए, भैया तो मुसलमानी नौकरी देना है तो 10 लाख 20 लाख बोले। भैया जिस समय आपको देना था आपको दे ना सकता, पहली बार थोड़े आए ऊपर में किस बार की तरह मांगने के, आपको 15 साल थे, 15 साल थे तो उस वक्त नौकरी देने के लिए कोई मना कर दिया था कि आपको हाथ डाल दिया था कि मत दीजिए कि आपके भगवान को बोला, उस समय तो नहीं दिया और आज कह रहे हैं हम नौकरी दे। भाइयों बहनों, इन दोनों ने कुछ नहीं किया। अब मालूम है बिहार का नौजवान जग गया है, रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, स्वास्थ्य का सवाल, इसलिए लोगों को लगता है कि अब तो कुछ बात करनी पड़ेगी, तो पहले नहीं किया तो चलो चुनाव में कुछ कर करके फिर से वोट ले। अब आपसे आग्रह करने का, जून की बातों में आइएगा तो नुकसान हो गया है। भाई और बहनों, 15 साल आपने उनको दिया है, कितना दिन अनुमानिएगा? 15 साल नीतीश जी को भी दिया, कितना दिन अनुमानिए? नए लोग होते तो ठीक है, अनुमानने की बात होती तो चलो देखकर देखते हैं, कितना दिन अनुमानिए? तो हाथ नहीं बांध दिया था किसी ने कि नौकरी मत दीजिए, हाथ तो खुला था, और हाथ खुला था इसका प्रमाण भी उन्होंने दिया है। हाथ खुला था 15 साल सत्ता में बैठे हुए थे, कभी तो दोनों हाथ से हाथ सोच के अपने घर की तिजोरी को भर लिए और बाल बच्चा सही मुकदमा ले अभी चले। भाई और बहनों, आपने वोट दिया, 15-15 30 साल इनको रखा, दोनों 30 साल कोई कम सा